आज के इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए हमारे साथ हैं जश्न अग्निहोत्री, जो बॉलीवुड और पंजाबी फिल्म की मशहूर अदाकारा हैं। मैं जश्न को इनवाइट करता हूं कि वो इस प्रोग्राम का संचालन करें। नॉस्टैल्जिक राइट नाउ कि मैं आज एक हिस्टोरिकल फिल्म के ट्रेलर लॉन्च को कंपेयर कर रही हूँ एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक क्योंकि मेरी डेब्यू फिल्म भी एक हिस्टोरिकल फिल्म थी। इंदू सरकार से मेरा डेब्यू हुआ था और आज मैं यहाँ पे मौलाना आजाद जो कि एक हिस्टोरिकल बायोपिक है, आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल फिल्म, आई सो लव देम। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आई एम एसोसिएटेड एज अ कंपेयर फॉर दिस ट्रेलर लॉन्च। और यही कहना चाहूँगी कि ये एक हिस्टोरिकल बायोपिक है और आलोक जी ऐसा लगता है कि जैसे बायोपिक्स का सीजन सा आ गया है, जनवरी में ही कुछ 6 बायोपिक्स रिलीज हो रही हैं बैक टू बैक एंड दे आर ऑन वेरियस हिस्टोरिकल फिगर्स एंड ऑफ कोर्स दिस वन इज ऑन अ ह्यूज हिस्टोरिकल फिगर आल्सो, द ग्रेट इंडियन हीरो ऑफ फ्रीडम मूवमेंट और जिन्हें हम आज़ादी का घायल हीरो भी कहते हैं। So of course I'm going to be talking about the man and the film Maulana Azad in a bit, lekin ek bari usse pehle as a good host I think I should give you all a warm welcome. आप सभी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर टेकिंग योर प्रेशियस टाइम टुडे एंड कमिंग हियर फॉर दिस मोस्ट स्पेशल ट्रेलर लॉन्च। अब ये स्पेशल क्यों है और बहुत ज़्यादा स्पेशल है स्पेशली फॉर माई मीडिया फ्रेंड्स, फॉर द जर्नलिस्ट्स हियर, वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊँगी। लेकिन उससे पहले एक बारी फिर से, माई नेम इज़ जश्न अग्निहोत्री एंड इट्स अ ह्यूज प्लेजर फॉर मी टू वेलकम यू ऑल टू विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू द ट्रेलर लॉन्च ऑफ राजेंद्र फिल्म्स प्रेजेंट्स वो जो था एक मसीहा मौलाना आजाद। जोरदार तालियां बजा दीजिए। फ्यू क्रेडिट्स दैट आई वुड लाइक टू गिव, द फिल्म इज प्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता। संजय, व्हाट एन इनिशिएटिव आई मस्ट से। द डायलॉग्स, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, लिरिक्स, एवरीथिंग इज बाय डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता संजय। द फिल्म इज ऑल्सो डायरेक्टेड बाय डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता संजय and another director Mr. Sanjay Singh Negi aur as a matter of fact unka birthday hai aaj to unke liye ek bar zordaar taaliyan Sanjay Singh Negi ji ke liye. One important credit that I cannot miss is Mrs. Bharati Vyas who's the presenter and financier of the film, jinke inputs aur support ke bina it would not have been possible to mount this project. Ek bar taaliyan Bharati Vyas ji ke liye. Or of course the leading man Mr. Linesh Panse, who's a very talented actor, talented stage actor, celebrated actor who is in the film in and as Maulana Azad. So cast and crew ko bahut sari shubhkamnaye aur thodi hi der mein main cast and crew ko yahan pe bulaungi aur mere sare media friends unse baat kar sakenge, Q&A session bhi hoga of course aur bahut sari cheeze hongi. लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी अभी कि why all the journalists here, why all people from media fraternity will strongly connect with the film, they will feel strongly for the trailer and for this historical biopic on Maulana Azad. क्योंकि Maulana Azad ना सिर्फ एक prominent freedom fighter थे, he was also an activist, he was a scholar. He was a senior leader of Indian National Congress and he happened to be the first education minister of independent Indian government. Ye sab to the, he donned many hats basically. Or what is worth mentioning is ki he also started his career as a journalist. Ji haan, to wo aap sab mein se hi ek the, he was a journalist. और उन्होंने अपने कलम के द्वारा ब्रिटिश राज के खिलाफ खिलाफत मूवमेंट चलाई और हिंदुस्तानियों में एक नेशनलिज्म की भावना को उन्होंने प्रबल किया. सो दैट वाज मौलाना आज़ाद. और इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने आज़ाद अपना पेन नेम अडॉप्ट किया, आज़ाद मीनिंग फ्री वाज हिज पेन नेम.
और he was a symbol of journalism without fear basically and he risked everything in the line of duty bilkul aap sab ki tarah jaise ki aap sab hain to ek bar zordar taaliyan maulana azad ke liye aur sare journalists media fraternity ke liye mein unhone partition dekha aur wo karachi mein badi hui aur wahan se fir india mein shift hui aur wo bilkul hi partition ke against thi wo aaj bhi karachi ki galiyon ko miss karti hain और उनकी बहुत ही इच्छा है कि वो जाएं कराची वापस वहाँ पे उनके जहन में है ये बात कि मैं जाना चाहती हूँ कराची उन्हें बहुत लगाव है कराची की गलियों से आज भी लेकिन आई एम सॉरी बट बिकॉज ऑफ हेल्थ कंडीशंस हेल्थ इज़ नॉट परमिटिंग हर बट गॉड ब्लेस यू आपकी विश आई प्रे कि ज़रूर पूरी हो यू विल बी फाइन एंड यू विल सून गेट टू विजिट कराची तो इनके दिल में दोनों देशों के लिए बहुत लगाव है and she always wanted hindu muslim unity to kahin na kahin ye jo ideology hai wo bilkul maulana azad se milti julti hai because he also never wanted partition wo nahi chahte the ki partition ho he was totally against it aur he stood for hindu muslim unity always jab aap trailer dekhenge few of the lines that I would like to quote jo trailer mein bhi hain aur jo unki khud ki kahi hui hain ki main hindustani pehle hu aur musalman baad mein so that was maulana azad to bharti ji yahi unka ideology jo milti hai maulana azad se so that inspired her aur wahi ek driving force tha ki unhone ye project support karne ka decision liya to ek bar taaliyan wapas bharti ji ke liye aur author of the film the director of the film story screenplay lyrics all of it and may I also please have on stage the man himself Mr. Linesh Phanse very talented stage and film actor he debuted in Bollywood with this film called Call for Fun in 2017 and he has done prominent work in Marathi and Gujarati cinema or he is a gold medalist in Bachelor of Performing Arts in drama I got it right super and of course the birthday boy may I please have on stage Mr. Sanjay Singh Negi the director other director of the film okay before we launch the trailer thoda sa main batana chahungi Sanjay Singh Negi ji ke bare mein he is a dynamic young director active for more than a decade in the film of direction as associate for tv serials like झांसी की रानी वीर शिवाजी महादेव एंड हिंदी फिल्म्स लाइक हंसा एक संयोग द फॉरेस्ट नाइट एंड ही वाज वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट दिस यूनिक थीम ऑफ मौलाना'स लाइफ व्हिच वाज इन फैक्ट द नीड ऑफ द आवर एज अ नेशनल सब्जेक्ट एज ही फेल्ट एंड सम ब्रीफ अबाउट Dr. Rajendra Gupta Sanjay he's a very talented senior veteran in industry he's a writer director lyricist and producer and after acting in a dozen films like Saudagar Teesra Kinara Rustam Hum Bacche Hindustan Ke Panch Khiladi and others writing songs for Hindi films like Panch Khiladi and Tawaif Ki Beti writing and directing documentary films associated closely with stage radio and film journalism I'm glad to hear, sir. You have practiced journalism as well. He wrote a novel on the life of Maulana Azad, titled "Wo Jo Tha Ek Masiha" in Hindi, and he says the credit for that novel goes to his father, who was a huge fan of Maulana Azad since his youth days, and he used to talk very high of Maulana. And that only made him Maulana Azad's admirer, and that is what basically inspired him to stand this project and make this biopic on Maulana Azad. And yeah, ma'am. And here comes the poster of Maulana Azad for you. Huge round of applause, ladies and gentlemen. As I see on the poster, Mr. Linesh Phanse is in his getup as Maulana Azad. Ma'am, yahan dekhiye ma'am abhi. All of you, vendor look. On your right side, everyone, right side look.
में आजाद के ऊपर एक फिल्म बन रही है और उसमें एक मोहम्मद अली जिन्हा का कैरेक्टर है, तो मैं भी ऐसे विलन के रोल बहुत काफी करता हूँ, तो जिन्हा का नाम सुन के बोलो हाँ चलो करते हैं। तो मैं हमारे दिग्दर्शक और राइटर जो है राजेंद्र गुप्ता जी उनसे मिलने पहुंचा, तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने मुझे देखा तो कह दिया कि नहीं भाई आप जिन्ना के लिए तो सुटेबल नहीं है। तो बोला ठीक है, तो ऐसे ही 5-10 मिनट बैठा उनसे बातचीत कर रहा था, तब तक वो उनकी किताबें देख रहे थे और मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे कि आपने क्या किया है क्या करते हो, और 10 मिनट किताबें खंगाली और भारती जी के साथ सलाह मशवरा किया, और फिर मुझे कहा गया कि भाई आप तो आपसे बात करके मालूम पड़ गया कि आपने क्या किया है और क्या कर सकते हो, और आपका लुक मौलाना आजाद के लिए फिट बैठा है, तो हम आपको मौलाना आजाद के लिए ले रहे हैं। तो जिन्हा के लिए आया था और मौलाना आजाद बन के वहां से निकला। मेरा बचपन ऐसा था जहाँ सिर्फ इंसानियत नज़र आती थी, मेरे परिवार में भी और आजू बाजू के इलाकों में भी माहौल में भी, क्योंकि हमने कभी स्कूल में पढ़ते हुए इधर उधर खेलते हुए कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नाम हमने कभी देखा भी नहीं था, सिर्फ फ्रेंडशिप दोस्ती बस इतना ही था, और हम एक दूसरे के घर में आते जाते थे बेरोक टोक बेधड़क ऐसे जाते थे। अब तो खैर ज़माना बदल गया है, पीढ़ी बदल गई है, तो उसी हिसाब से हमें ये सोचना पड़ा कि मैंने जो बचपन में देखा था वो चीज़ अभी क्यों नहीं है, तो उसकी याद दिलाना तो कम से कम मैं कर ही सकता हूँ कि मैं लोगों को तक ये मैसेज पहुँचाऊँ कि हम एक हैं, हिंदुस्तानी हैं और कुछ नहीं है। तो ये सोच कर मैंने मौलाना आज़ाद, जिनके बारे में मैंने बचपन से ही सुना था अपने पिताजी से, तो मुझे ये कैरेक्टर ये व्यक्तित्व तो मुझे इतना ज़्यादा मोहक लगा कि ये आदमी सबसे अलग है, सबसे जुदा है, सबके स्वर अलग हैं और इसके अकेले का स्वर भी इतना बुलंद है कि ये सबके ऊपर भारी पड़ता है, और इसलिए मुझे इनके चरित्र के ऊपर पढ़ने के लिए प्रेरणा मिली कि मैं पढ़ूँ देखूँ ये व्यक्तित्व तो क्या है, क्यों लोग इसकी तारीफ़ करते हैं, क्यों पिताजी इनके बारे में इतनी तारीफ़ करते हैं और वो इनके फ़ैन हैं। पढ़ने के बाद मुझे मालूम होगा ये शख्सियत तो बिल्कुल अनूठा है, और इनकी जो गाथा है इनकी जो कहानी है वो और भी ज़्यादा अनूठी है, क्योंकि ये व्यक्ति जिनके पूर्वज मुग़ल बादशाह बाबर के साथ यहाँ पे आए थे और उस ज़माने से इंसाफ की कुर्सी पर बैठे थे, और वही बात इंसाफ की मौलाना में मुझे दिखाई पड़ी। उस आदमी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुस्लिम हो या हिंदू है, वो हमेशा लड़ते रहे बंटवारे के खिलाफ, हमेशा लड़ते रहे हिंदू मुस्लिम एकता के साथ। अभी इन्होंने कहा कि मैं स्वराज्य को त्याग दूंगा लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं, बहुत बड़ी बात थी, और इस लाइन ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। बाद में उन्होंने खुद कहा कि मैं बंगाल का बेटा हूँ, क्योंकि मेरी माँ और मेरा जन्म बंगाल में, मेरा जन्म तो बंगाल में नहीं हुआ लेकिन मेरी परवरिश बंगाल में हुई है, और मेरी माँ जब मैं 2 साल का था तभी उनका इंतकाल हो गया था और वो बंगाल की मिट्टी में दफन हो गई थी, इसलिए बंगाल की मिट्टी यानी हिंदुस्तान की मिट्टी मेरी माँ है, मैं इस माँ के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा उद्वेलित किया, प्रभावित किया, और ये कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी पहले हूँ। And he proposed this idea and what was your preparation ki unki us pe expectations pe khare utre hain, how he wanted to see this project? Pehle to main sari jo hamari team thi Maulana Azad ki aur yahan par jitne bhi sabhi log aaye hain main sabka shukriya ada karta hu ki aap logon ne samay nikal ke aap yahan par aaye aur is program ko jo hai safal banane mein sahyog diya। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जब मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए आया था तो मुझे पता नहीं था मैं कुछ और कर रहा था, हमारे मेरे पहचान के मेरे दोस्त हैं मौलाना आज़ाद पे, तो मुझे ज़्यादा एक्चुअली मौलाना आज़ाद जी के बारे में ज़्यादा पहले कुछ पता नहीं था मुझे कि कौन है, मतलब इतना था कि वो हमारे जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब वो एक फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे,
पर उसके बाद जब बाबूजी से मिला तो उन्होंने डिटेल में मुझे सब पूरी स्टोरी समझाई, एक एक चीज़ समझाया उन्होंने कि ये है ये ये। तो फर्स्ट डे तो मुझे लगा कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो कुछ दिन तो मैंने उन्होंने भी बात नहीं की, मैंने भी बात नहीं की, हो सकता है कि वो मुझे परख रहे होंगे या इन बिटवीन वो किसी और से मिल रहे होंगे कि मेरे से अच्छा कोई मिल जाए उनको। और ये होता भी है बेसिकली, आपको फिल्म बनानी है, ऐसे तो है नहीं कि मतलब कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो, पैसा लग रहा है चाहे आप कितना भी लगा रहे हो, लेकिन आपका जेब का पैसा लग रहा है तो आप सोच समझ के आप चीज़ें करते हो, और होना भी चाहिए, ये फैक्ट है। तो उन्होंने भी वही किया, एक महीने के बाद कुछ उनका मुझे वापस फोन आया रात को 11 बजे, मैं तो तब कुछ एक दूसरा प्रोजेक्ट था मेरा उस पर लगा हुआ था, उसकी राइटिंग पे शुरू थी, तो उन्होंने कहा कि मैं, उन्होंने अपना नाम बताया, मैंने नाम भी सेव नहीं किया था, कार्ड दिया था उन्होंने, मैं जेब पे रख दिया, मैंने कहा ठीक है। सर ने फोन किया कि मैं राजेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ कांदीवली से, मेरे को पर कुछ देर तो सोचने में लग गया कि पता क्या है, फिर बोल राजेंद्र गुप्ता जी बोल रहा हूँ, फिर उनकी आवाज़ जो है मुझे फिर से एक महीने बाद पीछे गया, मैं लगा अच्छा सर बोल रहा है, सर ठीक है बोलिए कब, बोला कल सुबह आप आ जाओ। मैं ये करने गया था कि मैं मना कर दूंगा, मेरे से हो नहीं पाएगा, उनके पास समय कम था, उनको करना भी था, मैं मेरे लिए चैलेंज था सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे लगे रहे कि नहीं करते करते। एक दिन ये हुआ सर कि चलो शुरू की, और आज आपके सामने है। सुनता है तो पाकिस्तान होगा तो होगा, हमें क्या 8-9 साल की उम्र में हिंदुस्तान पाकिस्तान समझ में नहीं आता था। उसके बाद जब पक्का हुआ कि घर सर सामान लेके निकलना है, तब हमने खाना पीना छोड़ दिया, नहीं हम नहीं खाएंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, रोज रोना रोना होता था। अल्टीमेटली निकलना पड़ा स्टीमर में, रात भर बैठे बैठे निकाले, क्योंकि सोना नहीं था, ये पाकिस्तान कराची छोड़ना मुश्किल था हमारे लिए। आज भी लगता है कि कुछ कहीं नक्शा होता है सीधा देखते कराची क्या है, कराची कहाँ है। इवन वहाँ तक मेरी रेडियो की सर्विस के दरियान मुझे युद्ध का भी 65 वॉर का भी पता चला, तब तो मेरी ड्यूटी भी लगती थी, तो हम सोचते थे पाकिस्तान के प्लेन जो यहाँ आते हैं कोई हमें भी ले जाए। वहाँ से अनाउंसमेंट होती थी कि ये जो अनाउंसर हैं उनको पकड़ के लाओ, घर में बाल बच्चे थे रोते थे, वो पकड़ के ले जाएगा, फिर कभी नहीं पकड़े थे, हिंदुस्तान में भी हम सलामत हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का लगाव जो आज तक है कि अगर अकेले बैठे बैठे तो आँख में पानी आ जाता है, कराची की लाइफ थी। और हिंदू मुस्लिम की बात करें तो हमें याद नहीं है कि मुसलमान क्या होते थे, सब एक घर में रहते हैं, आते हैं जाते हैं, सब मिलते हैं, कोई बंधन नहीं था, खान पान का धर्म सब अपना अपना रखते थे। तब हमें लगता है पाकिस्तान होने के बाद हिंदू मुस्लिम क्या है, और आज भी उसकी चुभन रहती है कि क्यों ये बंटवारा हुआ, बंटवारा नहीं करना चाहिए था। और हमने बंटवारा का लोगों को देखा है, पूरी पायमाली देखी है, हमारा अपना घर वगैरह था, बिल्डिंग था, सब निकाल निकाल के सामान फेंकते थे, और हम देखते रहते थे कि हमारा जो भी सामान था हमारे घर में, जो भी चीज़ थी वो सब पेश नश हो गई थी। इसलिए लगता है कि नहीं, आज भी लगता है कोई भी देश में बंटवारा नहीं होना चाहिए, खाली हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं, आज कश्मीर का हो या जहाँ हो, लोग खुशी से रहे तो ठीक है। तो ये हमारी लाइफ थी पाकिस्तान में, और इतनी अच्छी लाइफ थी, स्कूल में जाते थे, अगर कोई बच्चा मस्ती करे तो उनको पनिश किया क्या जाता था, स्कूल के प्रिंसिपल उपवास रखते थे एक दिन दो दिन तीन दिन, और बच्चे को ये अफसोस होता था हम कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। वो जो वहाँ का शिक्षा थी, वहाँ जो शिक्षा थी, जिस तरह का माहौल था, वो आज भी हमें लगता है कहीं नहीं मिलता है हमें, वो स्कूल जो थी कॉलेज थी सब। अब ये तो कई बात हो गई, खाली दूर से देखना है, पेपर में पढ़ना है, नक्शा देखते हैं कि ये हमारा पाकिस्तान था, कराची था, तो इतनी उससे ज़्यादा बात करना मुश्किल है, क्योंकि बात बोलना नहीं चाहेगा ज़्यादा ज़्यादा बात इससे नहीं करना चाहते, मन मना लेते हैं घर में बैठे बैठे, कोई भी किताब देखी, नक्शा देखा,
कराची का, आज भी लगता है कभी हिंदुस्तान का नक्शा ड्रॉ करते हैं, स्कूल में करते थे, लेकिन आज भी पेन चलती है तो लगता है चलो सिंध का नक्शा करें। कैसे लगता था, वहाँ पुरानी किताबें हमने संभाल के रखी वो देखते कि ये कराची था। आज भी कोई कोई भी जाने वाले हो तो कोई, मैंने भी खुद विदेश जाते सब पूछा कि मुझे पाकिस्तान का वीजा दो खाली 3 दिन के लिए, देख के आ जाए एक बार, नहीं मिला। उस दिन मनाई थी कि नहीं अभी हम नहीं छोड़ सकते। कुछ एक दोस्त बने हैं मुस्लिम, इतना आदर से उनकी चिट्ठियां जो आती है आपके आंख में पानी आ जाए देखे तो, वो लोग भी चाहते हैं। आज भी मुस्लिम लोग कहते हैं कि हमने नहीं किया, ये बड़े नेता लोगों ने किया है बंटवारा, हमने नहीं किया है, हम नहीं चाहते थे। लोग आज भी तरसते हैं। बस इसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में इतना ही बोलना चाहूँगी, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे महान शख्सियत का किरदार करने का मौका मिला, इतने महान थे उनके बाद मुझे और ज़्यादा महान उनकी महानता का पता चला। जो हमारे दिग्दर्शक और राइटिंग फिल्म के जो है उन्होंने इतना डिटेल में उनके ऊपर वर्क किया था, और ये फिल्म मुझे लगता है कि इस वक्त समझ रहा हूँ कि मुझे ये किरदार करने का मौका मिला पर्दे पर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही कम पढ़ाया गया है स्कूल में जब हम थे कॉलेज में, तो शायद। और इसके जो राइटर और डायरेक्टर जो हैं सर संजय राजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने इतना डिटेल में वर्क किया इस फिल्म के बनाने से पहले, तो इनको पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि इस महान इंसान के बारे में पूरे हिंदुस्तान को पता चलना चाहिए जो नहीं पता चल पाया आज तक। और ये फिल्म बनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये फिल्म हर एक स्कूल और कॉलेज में बच्चों को बताई जानी चाहिए, क्योंकि उनको पता चलेगा कि एक तो हमारे पहले एक क्रांतिकारी तो है ही, पर एक हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने पढ़ाई कैसे की, कितने पढ़ाई में उन्होंने जो कितनी तकलीफ मेहनत करके इतनी सारी लैंग्वेज सब कुछ सीखा, तो ये हर एक इंसान को और हर एक बच्चे को पढ़ा दिखाना चाहिए बचपन से ही कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैसे बनी। आप लोगों ने क्या रिसर्च किया इसके ऊपर, क्योंकि एक बायोपिक जब बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में पता भी है लोगों को, तो आपने उसको कैसे दिखाया फिल्म में और क्या प्रिपरेशन किया बताया? ये तो बहुत कठिन काम था, क्योंकि बायोपिक पिक्चर को बनाना आसान काम नहीं है, तो हमने इसके ऊपर सबसे पहले रिसर्च करना शुरू किया, कई किताबें देखी, कई जगहों पर गए, लाइब्रेरी में गए, कहाँ कहाँ घूमते घूमते, कम से कम 4 साल तो लगा हमको रिसर्च करके इस चीज़ को तैयार करने का। 4 साल बहुत बड़ा समय होता है, और क्योंकि मैंने इसके बारे में सोचा था कि ये व्यक्तित्व ऐसा है जो बिल्कुल अनूठा है, यहाँ तक कि राजनीति के क्षेत्र में भी अनूठा है, इनके जैसा कोई भी राजनीति के अभी तक कोई भी नेता आज तक नहीं देखता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। उनके ऊपर काम करना कोई आसान काम नहीं था, बहुत बड़ा कठिन काम था, और इसलिए मुझे बड़ी सावधानी के साथ कई कई जो विद्वान लोग हैं जो उनके बारे में जानते थे, जिन्होंने उनके ऊपर लिखा है, उनके लेखों को उनकी किताबों को मैंने पढ़ा, और एक एक चीज़ को मैंने नोट किया कि क्या क्या चीज़ देने लायक है और कहते थे, मतलब हमारी फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ हमको छूट करती है दर्शक के लिए और जो देखने वाले लोग हैं, और यहाँ तक के इतिहास को भी हमको बिल्कुल इंटैक्ट रख के आगे बढ़ना था कि कहीं कोई ऐसी भी गलती ना हो जाए, इसलिए बड़ी ही सावधानी के साथ हमने इसको रिसर्च करके पटकथा के रूप में तैयार किया। कठिन काम था, बट आज मुझे लगता है कि हमने जो काम किया है बहुत ही अच्छा किया है, और ये देश के बच्चों के लिए आज के जनरेशन के लिए एक शिक्षा प्रद फिल्म साबित हुई। तो ये बायोपिक एक फिल्म है, तो आपने जैसे बताया कि आपने पूरा सर्च करके किया, लेकिन उसमें कोई ऐसे सीन जिसे आपने सोचा हो है लेकिन आपने हटाया हो कि कहीं उसमें भी बात ना हो जाए? मौलाना आज़ाद तो ऐसे व्यक्तित्व नहीं थे कि इनके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, वो बिल्कुल ही सीधे साधे आदमी थे,
सच को सच मानते थे, सही को सही मानते थे, गलत को गलत मानते थे। यहाँ तक उन्होंने गांधी जी को भी, उनका अगर कोई प्रपोजल होता था कोई, तो बोलते थे कि गांधी जी अगर इस बात को हम ऐसे प्रेजेंट ना करके ऐसे प्रेजेंट करें तो शायद इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और ये बात बहुत बड़ी थी उस जमाने में, गांधी जी के सामने किसी व्यक्ति के द्वारा ये कहा जाए कि गांधी जी आप ऐसे नहीं, ऐसा कीजिए तो ज़्यादा रिपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा अच्छा इनाम मिलेगा, कहने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। तो इतने स्पष्ट वक्ता थे, ऐसे स्पष्ट वक्ता के बारे में कहीं कोई कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती, कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। फिर भी हमने बड़ी सावधानी बरती है कि कहीं कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा वाक्य न निकल जाए, कोई ऐसा डायलॉग के रूप में, ताकि आगे चलते जो उसमें कोई कठिनाई पैदा हो जाए। हमने इसका बहुत ही सावधानी से ध्यान रखा। अब्दुल जी के किरदार को आपको निभाना था, उन्हें भारत रत्न से भी अवार्ड नवाजा गया था, तो आपको इस कैरेक्टर को निभाना था, आपके मन में कोई डर था क्योंकि एक ऐसे सच्ची कैरेक्टर को आपको निभाना था कि आपकी कहीं गलती ना हो जाए, कोई छूटा? हाँ, सबसे पहले डर तो ऐसी बायोपिक और इतने महान इंसान का तो किरदार निभाना, जब भी मैं उस किरदार के बारे में सोचता था मुझे रात को नींद नहीं आती थी। फिर मैंने देखा, उनको पढ़ा, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब पे और उस पर देखा तो सिर्फ उनकी आवाज़ ही रिकॉर्डेड है, बाकी कुछ है नहीं। तो उनकी किताबों में उनके जेस्चर पोस्चर है, वो कैसे खड़े रहते थे, कैसे उनका बैठने का तरीका था, तो वही मिल रहा है। तो उसको मैंने सब रिसर्च कर करके अपने एक्टिंग में उसको मैंने किया। फिल्म तो कैसे मिली? मैंने तो मैं बोलता हूँ कि ये फिल्म जब बना रहे थे तो मुझे एक फ्रेंड का फ़ोन है कि एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर एक फिल्म बन रही है, उसमें एक मोहम्मद अली जिन्हा का कैरेक्टर है, तो सीन बहुत ही कम है पर अच्छा है। तो मुझे तो जिन्हा का कैरेक्टर ऐसे भी दो सीन हो तो भी वो क्या है कि वो उनका ये है व्यक्तित्व, तो मैं बोला हाँ चलो जाता हूँ, तो इनसे मिलने आया सर से। तो उन्होंने मुझे देखा तो देख कर कहा कि नहीं, आप जिन्हा के लिए फिट नहीं है। मैं बोला ठीक है। तो मेरी सर से बातचीत होती रही 10-15 मिनट, उन्होंने मेरे साथ बातचीत की, मैंने क्या किया है, क्या उनके बारे में उन्होंने जानकारी ली, और वो बुक खंगालते रहे। फिर थोड़ी देर के 15 मिनट के बाद उन्होंने बताया कि आप जिन्हा के लिए तो नहीं है, लेकिन हम आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए सोच रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे 4-5 ऑडिशंस लिए, फिर उन्होंने वर्कशॉप लिए और फिर मुझे ये रोल दिया। आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिए? आपने डायरेक्शन किया है तो कितना अच्छा रहा ये पूरा आपका जो मूवमेंट रहा, बेसिकली देखा जाए तो हमारे लिए मूवमेंट काम का नाम रहा और चैलेंज तो हर जगह होता है, लेकिन ये बायोपिक थी और मौलाना आज़ाद के बारे में मुझे काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी और उनका साथ रहा, मुझे बात बन घर पे जाने के बाद फ़ोन पे एक डिस्कशन हुआ था कि क्या मतलब नेक्स्ट वीक का जो शेड्यूल है हमारा, हम इस तरीके से क्या करें क्या है, तो दिक्कतें भी काफ़ी आई क्योंकि वो चीज़ मेंटेन करना बहुत मुश्किल था हमारे लिए कि उस समय का जो पीरियड है और आज के टाइम पे हमें वो सब चीज़ को मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमने बहुत कोशिश की है कि कैसे मैनेज करें क्योंकि उस समय की जो प्रॉपर्टी उस समय का जो कॉस्ट्यूम्स है उस समय का जो सारा माहौल था उसको मेंटेन करने की दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी एक तो बाकी ट्रेलर के हिसाब से आपको लगा होगा कि जो भी है लैंग्वेज में तो ये था कि सर जो हैं उन्होंने उनको उर्दू अच्छे से आती है, उन्होंने पूरा उर्दू पे पढ़ा भी है और उन्होंने लिखी हुई है, तो वो एक एक चीज़ को वो मेंटेन करके चल रहे थे। साथ में इन लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की है, इसमें जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, छोटी की तैयारी कर रहे थे, तो उस बीच में उनका वर्कशॉप चल रहा है। तो लैंग्वेज के लिए मुझे ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा क्योंकि लैंग्वेज के लिए वो एक एक चीज़ को देख रहे थे। फिर जो भी हमें लगा कि कहीं ऊपर नीचे है तो हमारी डबिंग जब हुई, हम पोस्ट पर आए तो पोस्ट के दौरान हमने उसको उस चीज़ को जो भी करेक्ट करना था वो करेक्ट करके फिर आज मतलब वो। तो उर्दू का एक ऐसा चीज़ है कि उर्दू अगर आप बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते क्योंकि उसको अलग तरीके से बोलना पड़ता है, जो मुझे भी मैं आगे तक बताऊँ तो मुझे भी नहीं आती कि कैसे बोला जाता है, लेकिन वो थे उन्होंने एक एक चीज़ को पकड़ के रखा था कि किस शब्द को कैसे बोलना है, किस शब्द को कहाँ से उठाना है, गले से बोलना है कि पेट से बोलना है कि जीभ से बोलना है, ये सारी चीज़ें उनको पता थी, तो उन्होंने सारी चीज़ों पर हर जगह पर वो हेल्प की उनको।
लोकेशन मैम हमने एक मुंबई में किए हैं, फिर कलकत्ता में, दिल्ली में हमने शूट किया। बाकी ये था कि दिल्ली और मुंबई में क्या करता रोमान का स्थान नहीं होता है, म्यूजिक का भी स्थान नहीं होता है, लेकिन हमने तो म्यूजिक डाला है और म्यूजिक भी अच्छा बना है और लोगों को पसंद आएगा। इसको म्यूजिक डायरेक्टर दर्शन प्रहार ने बहुत ही बढ़िया ढंग से व्यवस्थित किया है और गाने जो भी हैं उसके वर्डिंग आपको अच्छे लगेंगे। इतने अच्छे दर्द बनाई है उन्होंने कि आप लोगों को फिल्म देखने के बाद लगेगा कि ये म्यूजिक वाकई म्यूजिक है। और आज की म्यूजिक को ध्यान में रखते हुए, कल की म्यूजिक को ध्यान में रखते हुए इसका समन्वय किया गया इस फिल्म में। वो गीत आप तुरंत एक आपको लगेगा वाकई इस फिल्म में म्यूजिक का स्थान ना होते हुए म्यूजिक ने अपना स्थान बना लिया है। राजेंद्र जी, इसमें क्या इस बायोपिक में, अगर बायोपिक की बात करें तो इसमें वल्लभ भाई पटेल जी का भी जिक्र है या है, उनका भी किरदार दिखाया गया? जी हाँ, बिल्कुल। पार्टीशन के अगेंस्ट जी, ये एक्चुअली जो कांग्रेस थी वो एक आदमी की कांग्रेस नहीं थी, कार्यकारिणी की कांग्रेस थी। और कार्यकारिणी में जितने भी सदस्य थे सबको हमने इसमें सब रखा हुआ है, चाहे पटेल हो, राजा जी हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, सीता रमैया हो साउथ के, चाहे मोतीलाल जी हो, या किसी घोष हो, ये जितने बंगाल के, महारानी के, किसलानी, सब लोगों का नाम इसमें लिया, सबने रोल किया हुआ है इसमें। इतने कैरेक्टर्स हैं इसमें, 12-13-14 कैरेक्टर हैं इसमें, सबको उन्होंने रखा है। और ये सबसे सब मानिए कि हीरो तो मेन सुपर हीरो ये हैं, बाकी 10 हीरो वो लोग हैं। और वोटिंग कमेटी जी, पोस्टर है जी, उसके बारे में जानकारी दें।